तो हे गाइस, केम छो? आई होप कि सब बड़े होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो केम सो हो गाइस? तो भाई लोगों, अभी मैं हूँ नानी, क्या देख सकते हो। तो कैसे है, एक बार वो देख लो रिवर्स जाके। तो गाइस मैं आ चुका हूँ नया पूरा तक। तो भाई ये मत पूछना मैं कैसे आया। तो गाइस बस में बहुत मतलब बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्या ही बताऊँ मैं आपको। और हाँ, तो अभी हूँ मैं नया पूरा तक। अभी अब उनको यहाँ से ऑटो पकड़ना है और चलना है बस स्टैंड तक। और हाँ, इस बार हमारे साथ अभी भी चल रहा है, तो चलते हैं। एक मिनट गाइस, इधर का सीन देखो। तो मैं हूँ अभी नया पूरा, तो ये देखो गाइस एक नंबर सीन है। मतलब बस स्टैंड यहाँ से थोड़ा दूर है, मैं ये शॉट लेने के लिए आया हूँ यहाँ का। वैसे इस पानी को देख के मुझे बरसात याद आ गई, पता नहीं कब आएगी। खैर बरसात में मुझसे ज़्यादा काम तो नहीं था, बस मुझे एक रील बनानी थी। वैसे इन घोड़ों को देखकर लग रहा था जैसे पानी में खड़े हो। इस जगह को मैं थोड़ी देर निहारने के बाद यहाँ से मैं चल देता हूँ। तो गाइस ये है नयापुरा का बस स्टैंड, छोटा है पर बहुत सारी बसें। तो गाइस मेरे सामने एक प्रॉब्लम आ गई है। जहाँ से बूंदी के लिए बसें जाती है वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर था। यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि ऑटो वाला अंकल 3 किलोमीटर जाने का है 50 रुपये ले रहा था। यहाँ पर मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मुझे 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा या फिर ऑटो वाले को 50 रुपये देकर ऑटो में जाना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि वहाँ पर जाने वाला केवल मैं ही था। फिर ऑटो वाले से थोड़ी बहाबू करने के बाद उसने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि रास्ते में उसे कोई यात्री मिल जाता है तो वो मेरे पैसे कम कर देगा। तो मैंने कहा उस बस में आने की एक अच्छी बात एक बुरी बात। बुरी बात यह थी कि उसमें बहुत ज्यादा भीड़ थी, यकीन हो तो ये वीडियो देख लो। सोचो मैंने वीडियो कैसे बनाई होगी। एंड अच्छी बात यह है कि बस वाले ने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए। पैसे इसलिए नहीं लिए, इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊँ। आप व्यू के मजे लो। यात्री तो कोई नहीं दिखा, खैर इसमें मेरा ही घाटा है। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ नयापुरा के बस स्टैंड के पास में। तो गाइस अबे की भी फोन कर दिया मैंने, बोला 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो ये है नयापुरा का सीन, पहले से काफी ज्यादा चमकने लग गया है। अबे ने 10 मिनट की बोलकर पूरा 1 घंटा लगा दिया। खैर मेरा क्या, मेरा भी एंटरटेनमेंट हो रहा है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। गाइस मेरे हिसाब से बूंदी की पूरी बसें जा चुकी है और अभी तक नहीं आया। क्या मतलब अबे को छोड़कर इस बस में चला जाऊं? वैसे दिख तो लग्जरी है। तो फाइनली 1 घंटा और 10 मिनट बीत जाने के बाद अबे आ ही जाता है। और हाँ मेरा अंदाज़ा सही निकला, बूंदी की सारी बसें जा चुकी थी। गाइस आप इसे दुनिया भर की गालियां दे सकते हो क्योंकि ये उसके लायक है। अब तो ऊपर वाले की दे रहे हैं। वैसे ऊपर वाले ने भी सुनी ली, कोई ना जीप मिल गई थी उसमें आ गए। ये हमारे लिए लेम्बोर्गिनी से कम नहीं थी। तो गाइस वेलकम टू बूंदी। तो गाइस अभी हमको यहाँ पर 5 बज चुके हैं, मतलब 5 बजने वाली है। हम लेट हुए ना तो इसकी वजह से हुए हैं। ये गाइस 10 मिनट की बोलकर इसने 1 घंटा लगाया है। तो अभी हम ले चुके हैं बूंदी। नमस्ते अंकल जी। गाइस हम जब भी बूंदी आते हैं तो इन अंकल का हाथ का नींबू पानी जरूर पीते हैं। तो गाइस हम नींबू पानी पी के निकल लेते हैं वहां से।
गाइस अभी अपन को यहाँ से 2 किलोमीटर पैदल चल के चलना है, क्योंकि जो ऑटो है वो रिक्शा है नानी के गांव के, वहाँ यहाँ से 2 किलोमीटर लगते हैं, दूर लगते हैं, तो अभी अपन को पैदल चल के जाना पड़ रहा है। तो भाई लोगों अभी हम पहुँच चुके हैं लंका गेट, ये है लंका गेट, बूंदी में इसको लंका गेट बोला जाता है। अब तो ये खंडर हो चुका, मतलब टूटने जा रहा है। गाइस सन दिखना बंद हो गया, बादल आ गए, अभी हमको आधा किलोमीटर और चलना है। ये सभी को देखो, मतलब आगे आगे बग रहा है ये, मतलब कोटा से आया ना तब भी, मतलब आगे आगे बग रहा है ये, पता नहीं जाना क्या खा के आया है। फाइनली गाइस हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं और हमें जीप भी मिली जाती है और फिर हम बूंदी से निकल देते। अक्सर तेरी गलियों में रुक जाता हूँ, महसूस करता हूँ वहाँ तुझको, मैं यूं ही कहीं मुझ में ही खो जाता हूँ, मीठा सुकून मिलता वहाँ मुझको। आज फिर याद तेरी याद याद आई है, मुझको भिगोने आई है जो बारिश, तेरे प्यार का पैगाम लाई है मुझको भिगोने। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके, नहीं नहीं अभी नानी के गांव नहीं पहुंचे, अभी पहुंचे कुडना। तो गाइस मामा की यहां पर दुकान है, तो मामा यहां पर है, तो उसकी गाड़ी लेके हम जाएंगे नानी के गांव और फिर उसको शाम को लेने आएंगे वापस। अच्छे से पहुंच, अच्छे से। तो गाइस मामा गाड़ी लेके हम निकल लेते हैं गुडा से। जब साथ हम थे Guys, this is shortcut. मीठे लम्हे थे, बस चल जा। अब जाके सांस आया। नब्र कसी थी, क्या जिंदगी थी। आज फिर तू और तेरी बातें याद आई है मुझको। चलने दे, कहाँ तक चलेगी देख। 1 2 3 4 आहिस्ते आहिस्ते चलने दे भाई, आहिस्ते गिराएगा क्या, आहिस्ते आहिस्ते क्या करता है। तो गाइस वेलकम टू नानी होम। राम राम नाना। तो गाइस बड़ों का आशीर्वाद लेके और थोड़ी सी देर रुक कर हम निकल लेते हैं एक दोस्त के घर पर। ये हमारा परम भाई, आप सबको पता है क्या नाम है इसका। तो हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं वापस तीनों, तो अभी हम जा रहे हैं एक दोस्त के घर, बोले तो योगेंद्र नाम है उसका, यहीं पास में घर है उसका। वो दुश्मन जो है। तो गाइस ये इसका नाम है योगेंद्र, आपको पता ही होगा। और सुना दे यार, चल सब बढ़िया तेरे बता। मेरे भी अच्छे हैं, चलो गाइस दो देखो। गाइस हमारी नानी का घर यहाँ से दिख जाता है, देख सकते हो आप। तेरा घर किसी जंगल से कम नहीं है यार, तू एक तो पेड़ पौधों का बहुत शौकिंग है। तुम्हारा मेहमान नवाजी हो रही है, थैंक यू मेरे भाई।
भाई चाय पीला, चाय पीला। हमारी खातिरदारी में ये मिठाई को कैसे भूल सकता है। गाइस मिठाई खा लो, एक नंबर है। तो अच्छी कैसी लगी अबे? इतना सारा लेके शुरू में बस भाई लोगों और कितना देखोगे यार आज के लिए बस। और हाँ एक और बात, बस कंडक्टर ने मेरे पैसे क्यों नहीं लिए, ये बात आपके मन में जरूर होगी। गाइस आज है रक्षाबंधन तो बस कंडक्टर ने मेरे पैसे माफ कर दिए, बोले तो माफ का माफ। तो यही था। और हाँ मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी 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 एंड हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन। हाँ यहाँ पर आने का कारण आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। तो मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं सी नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट लेवल ब्लॉगिंग पे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बात और गाइस, आपकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? हमारे भाषा में इसको बोला जाता है करेड़ी, जो ये आपको बूंदी में देखने को मिलेगी। कमेंट करके बताओ। इसमें रखा जाता है भैंसों गायों का चारा, बोले तो भूसा। कमेंट करके बताओ।